अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ फरीन। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर मखनी, जिसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम पनीर, दो बड़ी ऑनियन को मैंने थिक स्लाइस कर दी हूँ, 3 टेबलस्पून गार्लिक चॉप, 1.5 टेबलस्पून जिंजर चॉप्ड, 1/2 टेबलस्पून चिली चॉप ली हूँ। अगर आप क्या स्पाइसी खाते हैं तो थोड़ा सी बढ़ा सकते हैं। 2 टीस्पून कसूरी मेथी, 3 टेबलस्पून हनी, 2 कप्स टमाटो प्यूरी। ये टमाटो प्यूरी कैसा बनाना है मैं आपको बताऊंगी। मैंने 5 बड़े टमाटो की प्यूरी बनाई हूँ, 2 मेजरिंग कप, और ये 50 ग्राम कनी काजू ली हूँ। आप नॉर्मल बड़े काजू जो आते हैं रेगुलर वो भी यूज कर सकते हैं, कोई भी तरह के काजू यूज कर सकते हैं। 2 अखी कश्मीरी लाल मिर्ची ले ली हूँ, 1 टीस्पून तंदूरी पाउडर, ये एवरेस्ट का भी ले सकते हो, मैंने शान का यूज कर रही हूँ, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और मैंने ये अखी दालचीनी 4 स्टिक ले ली हूँ, 9 लौंग ले ली हूँ, 1/2 कप मिल्क। मैंने टमाटो प्यूरी कैसा बनाई वो मैं आपको बताती हूँ। फोक में टमाटो इस तरीके से ले लेंगे और ओपन फ्लेम में करेंगे। मुझे ये इजी पड़ता है, इसके लिए मैं ये वे यूज करती हूँ। इसको धीरे धीरे टर्न करते रहेंगे। देखो इसके स्किन देखो कैसी हट गई है, ये टेयर होके पूरी हट जाती है जगह से। ये इजी वे है। अब ठंडा हो जाएगा तो हम इसकी स्किन निकाल देंगे और यहाँ से इसका जो होता है ऊपर का पोर्शन थोड़ा सी कट करके फिर इसको एक साथ में छोटे 7-8 टुकड़े इसके करके हम ग्राइंडर में पेस्ट बना लेंगे इसका प्यूरी। एक पैन में मैंने थोड़ा घी और थोड़ा ऑयल, ये दोनों कम कम क्वांटिटी में लेना है, अप्रॉक्सीमेटली 1/2 टेबलस्पून घी, 1/2 टेबलस्पून ऑयल। ये हल्का सी गर्म हो जाए तो हम इसमें ये जो थिक स्लाइस झाड़ी प्याज काटे हमने थिक स्लाइस करे उसको हम पिंक होने तक फ्राई करेंगे। देखिए ये ऑनियन का कलर चेंज हुआ है, तो अब हम इसमें ये कश्मीरी लाल मिर्ची 2 डाल देंगे और ये कनी काजू थे ये डाल देंगे। अब सबको ये तीनों को साथ में फ्राई करेंगे, लाइट ब्राउन कलर होगा जब तक फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद उसको फ्लेम ऑफ करके ठंडा होने देंगे, उसके बाद ग्राइंड करेंगे। इसको थोड़ी थोड़ी देर से स्टीर भी करते रहेंगे, नहीं तो प्याज अगर जो बॉटम की रहेंगी वो जल जाएंगी, और फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे। अभी ये सब चीज़ हम फ्राई करने रखे थे, लाइट ब्राउन कलर हो गई है, मैंने फ्लेम ऑफ कर दी हूँ। अब इसको ठंडा होने तक हम वेट करेंगे फिर इसको ग्राइंड कर देंगे। ये जो हमारा पनीर स्लैब था उसको मैंने बीच में से ऐसा कट कर दी, ऐसा थिक रहना चाहिए, इसे 1/2 कर दी मैंने। अब इसको हम पहले जब तक हमारा प्याज का जो मिक्सचर फ्राई हो रहा है तब तक इसे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ, इसको किस तरीके से फ्राई करना है। ये मैंने एक ग्रिल पैन ले ली हूँ, उसके अंदर थोड़ा सी ऑयल डाल दी हूँ, फिर इसके अंदर ये स्लैब रखेंगे। बस एक बार पैन तुम्हारा अच्छे से गर्म हो चुका है फिर इसकी फ्लेम को मीडियम या स्लो कर सकते हैं, और फिर पनीर के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सॉल्ट स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ा रेड चिली पाउडर, जितना हमें सॉल्ट की ज़रूरत है उसके हिसाब से हम स्प्रिंकल करेंगे। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप प्लेन पैन आता है नॉनस्टिक वो भी ले सकते हैं, लेकिन नॉनस्टिक ही लेना। अभी ये ऊपर के पोर्शन पे मैंने ऐड कर दिया सॉल्ट और रेड चिली पाउडर, जब हम फ्लिप करेंगे तब वो साइड पे भी हम इसी तरीके से सॉल्ट और रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। अब हम इसको फ्लिप करेंगे, शायद ये हो गया होगा ठीक से ब्राउन, देखिए। अब ये साइड पे भी हम सॉल्ट और रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। ये साइड पे भी मैंने सॉल्ट कर दी स्प्रिंकल। फ्लेम मैंने स्लो ही रखी हूँ। अभी हम हमारी ग्रेवी की तैयारी शुरू करेंगे। मैंने कढ़ाई में ऑयल ले ली हूँ, फ्लेम हाई रखेंगे, ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है तो हम अखे गरम मसाले डाल देंगे। गरम मसाला
गरम मसाला फ्राई हो गया है। अब इसके इसमें हम गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली डालेंगे जो हमने चॉप करके रखे थे। इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे, फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। ये देखिए जो हमने जिंजर गार्लिक और चिली डाले थे इसको मैं उतनी देर फ्राई कर रही हूँ, कलर चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं खाली एक मिनट फ्राई करें तो वो भी नहीं चलेगा, हमको उतनी देर फ्राई करना चाहिए कि कलर चेंजेस ना हो। उसके पहले हम इसमें टमाटो प्यूरी डाल देंगे। इसकी जो खुशबू है वो आ जाना चाहिए, दैट मीन्स ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें टमाटो प्यूरी डाल रहे हैं। टमाटो प्यूरी को अच्छे से पकाना है, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है वो पूरा जल जाना चाहिए। देखिए इसे हाई फ्लेम पे मैंने 5 मिनट तक पकाई थी, ऑयल भी फ्लोट हो गया है और स्टिर करते हुए बनाई पकाई थी मैंने, ऑयल भी आ गया है। अभी हम इसमें ऑनियन पेस्ट जो हमने ग्राइंड करके रखे थे ना, फ्राई ऑनियन का पेस्ट, वो हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए ये पूरा ऑनियन पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे स्लो फ्लेम में कवर करते हुए हम इसे कुक करेंगे। पहले फ्लेम हाई रखेंगे, फिर जब इसमें बॉईल आएगा तब हम इसे कवर कर देंगे। कवर करने से पहले मैं इसमें तंदूरी मसाला और गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। देखिए इसमें एक बॉइल्ड आ गया है हाई फ्लेम पे। अभी हम इसे अब हम इसका फ्लेम स्लो करके कवर कर देंगे। हमने इसे जब कवर करके पकने के लिए रखे थे तो उसके बिल्कुल 5 मिनट्स के बाद मैंने वापस उसको स्टिर की थी, ताकि क्योंकि इसमें काजू पेस्ट है तो वो तो स्टिक होना है ही, तो इसके लिए 5-5 मिनट के बाद आफ्टर एवरी 5 मिनट्स हमको 2 बार ऐसा इस तरीके से उसको पूरा ये करना है, फिराना है। टोटल 10 मिनट्स के लिए हमें इसे हमने इसको स्लो फ्लेम पर कवर करके पकाए थे, इन बिटवीन 2 बार स्टिर किए थे। ओके, आपको एक बार फ्लिप करके बताई थी, फिर हमने ऊपर से दूसरी बार सॉल्ट और रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल किए थे, उसको मैं दोबारा एक बार उसको मैंने फ्लिप की हूँ। उसके बाद दोनों साइड अच्छे से सॉल्ट और चिली के साथ में फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे कट करके ग्रेवी में डालेंगे। देखो तो इस तरीके से हमने इसके मीडियम पीसेस कर लिए, अब हम इसे ग्रेवी में डाल देंगे। अब पनीर डालने से पहले हम कसूरी मेथी, हनी और मिल्क डाल देंगे। अब ये तीनों चीजें अच्छे से मिक्स कर लिए, अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। इसे हमें मिक्स करके थोड़ी देर फिर कुक करेंगे, 1-2-3 मिनट के लिए, फिर कोरिएंडर लीव्स डाल के इसे सर्व करेंगे। देखिए अभी ये कुक हो गया है और इसमें मैंने कोथमीर ऐड की हूँ और इसकी आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ये थिक ग्रेवी होना चाहिए। ठीक है, पनीर मखनी रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।